ओम श्री गणेशाय नमः। तो आज की वीडियो में जानेंगे करवा चौथ 2023 में कब है, तिथि वार के साथ जानेंगे, साथ में जानेंगे शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय समय क्या रहेगा, इसके साथ में करवा चौथ का महत्व और पूजा विधि के सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं करवा चौथ के महत्व के बारे में। तो दोस्तों, हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती है। हिंदू धर्म में करवा चौथ का बहुत अधिक महत्व होता है। करवा चौथ में निर्जला व्रत रखना होता है। शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद, पूजा करने के बाद व्रत खोला जाता है। तो आइए जानते हैं अब करवा चौथ का जो तिथि और वार के साथ जानते हैं। तो इस साल 1 नवम्बर बुधवार को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। तिथि की प्रारंभ की बात करें यानी कि शुभ मुहूर्त की, करवा चौथ का 31 अक्टूबर 2023 को शाम 9:30 से प्रारंभ हो जाएगी, जो तिथि समाप्त होगी 1 नवंबर 2023 को शाम 9:19 तक। करवा चौथ की पूजा मुहूर्त की बात करें तो 5:36 शाम से शुरू होगी और 6:54 तक रहेगा, यानी कि इसकी अवधि 1 घंटे और 18 मिनट के बीच में आप पूजा कर सकते हैं करवा चौथ की। अब बात करते हैं करवा चौथ व्रत समय यानी कि उपवास कब से शुरू करना है। तो सुबह 6:33 से शुरू करना है और शाम को 8:15 तक रखना है, यानी कि चंद्रोदय का जो टाइम है वहाँ तक ये व्रत रखा जाएगा। चंद्र दर्शन के बाद अपना व्रत आप खोल सकते हैं। इस जो समय की अवधि यानी कि उपवास की अवधि है 13:42 की बताई जा रही है। करवा चौथ का चंद्रोदय समय बताया इस प्रकार से शाम 8:15 को होगा और अलग अलग शहर में अलग अलग समय हो सकता है। ये नई दिल्ली की बात करिए जो 8:26 के आसपास चंद्रोदय का उदय होगा और उस समय आप चंद्र का दर्शन करने के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। आइए अब जानते हैं करवा चौथ की पूजा विधि के बारे में। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद मंदिर की साफ सफाई कर ज्योति जलाएं, देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें, निर्जला व्रत का संकल्प लें। इस पावन दिन शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा हमेशा की जाती है। माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय की पूजा करें। करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा की पूजा भी की जाती है। चंद्र दर्शन के बाद पति को छलनी से देखना होता है। इसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत को खोला जाता है। इस प्रकार से दोस्तों पूजा विधि है। आज की वीडियो में हमने करवा चौथ 2023 में कब है, वार तिथि के साथ शुभ मुहूर्त, प्रारंभ समाप्त, उपवास का समय भी बताया है, साथ में चंद्रोदय भी टाइम भी बताया है। तो आशा करते वीडियो पसंद आएगी। कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री गणेश।